तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन मैंने रखी है नंबर फोर्थ पे वो है इनशॉट। इनशॉट एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दूसरे ऐप्स में नहीं है और इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं जो मैं तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपने क्लिक करना है वीडियो पे, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे वीडियो एस्पेक्ट पे। तो ये कुछ ऑलरेडी मैंने इस पर एडिट की है, लेकिन आप आ जाएंगे न्यू पे, ठीक है। न्यू वीडियो फिर आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी वीडियो इसमें फिर एडिट करनी है। तो आप फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो सेलेक्ट करी। इसके बाद आपको आ जाएगा कुछ इस तरह सा इंटरफेस। अगर आपने YouTube के लिए वीडियो बनानी है या अगर आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए फॉर एग्जांपल Instagram है या कुछ भी है, तो आपने जो पिक्चर की एडजस्टमेंट है वो बहुत आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। आपने जो कैनवास है इस पर क्लिक करना है और इसको इस तरह करके एडजस्ट कर लेना है स्क्रीन के साथ, ठीक है। तो आपकी जितनी भी वीडियो है, अगर आपने पोर्ट्रेट में बनाई हो या अगर आपने लैंडस्केप पे बनाई हो, तो आपकी वीडियो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी स्क्रीन के साथ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपने एस्पेक्ट सेलेक्ट करनी है, अगर आपने इंस्टाग्राम के लिए बनानी है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए बनानी है, टिकटॉक के लिए बनानी है, ठीक है, तो ये सारे रेशोज आपके लिए मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ यूट्यूब के लिए, तो अभी ये यूट्यूब एस्पेक्ट मेरे लिए सामने आ गया है, ठीक है। मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम के लिए मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा। तब मैंने इसको दोबारा इस तरह जूम करके इसको फिट इन करना है, ठीक है। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी फीचर है जो कि दूसरे एप्स में भी है, लेकिन इस वाली थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाती है म्यूजिक। इसमें से म्यूजिक ये है कि इसमें आप अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इधर इसका ऑप्शन लगा है म्यूजिक भी। और इसके अलावा म्यूजिक इफेक्ट्स जो है इसके बहुत ही जबरदस्त हैं, ठीक है। इसके इफेक्ट्स अगर आप यूज करें तो दूसरे जो एडिटिंग एप्स हैं उनमें से ज्यादातर एप्लीकेशन नहीं होती जो इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये इसके इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बेल का इफेक्ट है, क्लिक का इफेक्ट है, डबल क्लिक का है, ठीक है, इर है। तो ये चीजें बिल्कुल इसमें यूनिक है। इन शॉर्ट में दूसरे जितने भी एप्लीकेशन हैं उनमें एज सच डायरेक्ट जो फ्रंट वाला इंटरफेस होता है उनमें ये साउंड इफेक्ट्स नहीं होते, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा साउंड इफेक्ट्स हैं, कीबोर्ड का है, ठीक है, कंप्लीट का है, बहुत अच्छी अच्छी इफेक्ट्स इनमें है, सोशल मीडिया का है, ठीक है, इसके अलावा बेल्स का है और पॉपुलर जितने भी हैं। तो ये मेरे ख्याल में इन शॉर्ट की सबसे बेहतरीन फीचर है कि इसमें साउंड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पीछे जाएंगे, रिकॉर्ड आप कर सकते हैं, इसमें म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। आ जाते हैं अभी स्टिकर्स के। तो इसके स्टिकर्स अगर हम देख लें तो एज सच इसके स्टिकर्स इतने अच्छे नहीं होते एज कम्पेयर टू जो दूसरी ऐप्स हैं, ठीक है। इनके स्टिकर्स आप जो ये देख लें, बिल्कुल कार्टूनिक जो इसके स्टिकर्स होते हैं, मज़ा नहीं करता कि बंदा इसको पेस्ट कर ले, ठीक है। लेकिन इसके जो फॉन्ट्स हैं ना वो बहुत मज़े के हैं, ठीक है। इसके फॉन्ट्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो इसके इफेक्ट्स में आ जाएंंगे स्टिकर्स में TEXT, ठीक है। इसको फिर मैंने फॉन्ट्स में तब्दील करना है, ठीक है। इसके अभी आ जाते हैं, इसका कहाँ एडिट में आ जाते हैं इसके फॉन्ट्स, ठीक है। ये इधर इसके फॉन्ट्स आ गए। तो पहले वाला जो फॉन्ट है बहुत ही ज़बरदस्त फॉन्ट है। इसके अलावा इसके दूसरे भी फॉन्ट्स हैं, इसको अगर आप बड़ा करके देख लें तो इसके फॉन्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे हैं। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन ये है कि इसमें आपको उर्दू के फॉन्ट्स जो है वो अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। उर्दू के फॉन्ट्स आपको इसमें अच्छे नहीं मिलेंगे। उसके लिए मैं एक मेथड आपको सिखा दूंगा जो आप फिर दोबारा इसमें यूज़ करके अच्छे वाले फॉन्ट्स इसमें ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ इसको देखो, ठीक है जी, तो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सा फॉन्ट है, मतलब मज़ा नहीं करता एज जो हम उर्दू का यूज़ करते हैं फॉन्ट्स। तो इसको आपने निगलेक्ट करना है, ठीक है। बाद में मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा कि आपने किस तरह अच्छे से फॉन्ट्स तमाम ऐप्स के लिए करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, तभी हम कर लेंगे दोबारा इंग्लिश में कीबोर्ड। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं, ये हो गया, फिल्टर्स पे आ जाते हैं। तो फिल्टर्स इसके बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, ठीक है। हम अगर फिल्टर्स को देख लें, ये इसके फिल्टर्स हैं, बहुत मज़े के फिल्टर्स हैं। और हाँ, इस तरह ये वाले, ठीक है। तो इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो जो इनशॉट प्रो है उसमें आपको मिल सकते हैं, मतलब जो डायरेक्ट आप इसको हासिल नहीं कर सकते जब तक आप इसके लिए पेमेंट ना कर दें, ठीक है। फिल्टर्स इसमें हैं। इसके अलावा इसका जो एक बहुत ही अच्छा फीचर है वो ये है कि इसमें डीनॉइज़ होता है, मतलब जब आप कोई वॉइस रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, तो इसमें आपकी आवाज़ के पीछे जो कशकश की आवाज़ आती है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। तो ये दूसरे ऐप्स में बिल्कुल नहीं है। ये जो इनशॉट है, पहली दफ़ा मैं इसमें देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है इसका। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल रिवर्स वीडियो है, और जितने भी चीज़ें हैं तो सब में तकरीबन कॉमन हो जाती हैं, ठीक है। तो ये थी इनशॉट की कुछ अहम फीचर्स जो मैंने आपसे शेयर की हैं। इसको मैं रखता हूँ फोर्थ नंबर पर। थर्ड नंबर पर मैंने रखा है बीटा।
वीटा एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, इसमें आपको कुछ अच्छे से टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छी खास बात है, इसमें आपको जो वायरल ट्रेंड्स है वो आपको इस समय मिल जाएंगे, जिसमें आप अपनी वीडियो अकॉर्डिंग टू इसके अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें आपने एक वीडियो फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो ये सेलेक्ट कर ली है, ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब ये इंपोर्ट हो जाएगी, इसके बाद आपने नेक्स्ट सेलेक्ट करना है। स्पेशली टिकटॉक जो लोग यूज़ करते हैं और इसके अलावा जो फेसबुक स्टोरीज हैं उसके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन जो वीटा है इसमें आपको बनी बनाई वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वीडियो अभी बनाई है, इसमें आप देख सकते हैं, हाँ ये वीडियो जो मैंने भी की है, तो इसमें आप इस टाइप की वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो बैक साइड पे जाते हैं, हमें तो चाहिए इसकी एडिटिंग वाली एप्लीकेशन, तो हम प्रोजेक्ट में जाते हैं। इसके बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पे ऐड करना है अगर आपने कोई नई वीडियो बनानी है, ठीक है। इसमें आप दो वीडियोस को चूज़ कर लें, दो या तीन को, जितने भी आपकी मर्ज़ी है अपने वीडियो को एडिट करना है, ठीक है। तो मैंने दो वीडियोज़ को मैंने चूज़ किया है, अब मैं इसकी एडिटिंग करना चाहूँगा। इसमें होता यह है कि अभी ये जो वीडियो आपके सामने नज़र आ रही है, इसमें आप क्या करेंगे, इसको आप अभी एडिट करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले जो है वो इसकी एडिटिंग है। अगर आप इस ऐप को थोड़ा सा मतलब जूम करना चाहते हैं, या जो आप जो क्लिप जो है इसको थोड़ा सा काट लेना चाहते हैं बीच बीच में, तो इसको दरमियान से काट सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अभी ये दरमियान से काट गया है, ठीक है, दोबारा हम अंडू कर लेते हैं। इसके अलावा जो ये क्लिप है, इस क्लिप को आप कंप्लीट स्क्रीन पर लाने के लिए स्क्रीन पे दोनों जो हाथ रखेंगे, इस तरह आपकी जो पूरी क्लिप है वो स्क्रीन के साथ फिट हो जाएगी। लेकिन ये एज सच इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके करने से आपकी जो वीडियो की जो अहम क्लिप्स हैं, अहम पार्ट्स हैं, वो मिस हो सकते हैं, वो कट सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा आप इसकी स्पीड को भी कम कर सकते हैं, स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस स्पीड के जो कम करने के लिए और इसके अलावा मोशंस को अल्टर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा आपके साथ। फिलहाल इस पर डिस्कशन करते हैं कि इसमें कौन कौन सी फीचर्स अच्छी हैं। इसके अलावा एनिमेशन जो है, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेशन हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी एक एनिमेशन को आपके सामने दिखा दूँ, ये वाली एप्लीकेशन, इसकी जो ट्रांजिशन है, ठीक है, सॉरी ट्रांजिशन नहीं, इसकी जो एनिमेशन है, मतलब ये जो क्लिप आता है सामने से, ये किस तरह आ जाता है, ठीक है। ये क्लिप अभी आ गया जी, इसको आप इसकी जो स्पीड है वो भी कम कर सकते हैं, इसका जो टाइमिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, ये इसकी जो फ्रेम इन की जो एनिमेशन है वो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेम आउट की भी आप कर सकते हैं, इसमें आप भी मैं डाउनलोड तो नहीं किया, लेकिन आप डाउनलोड कर ले, आप इसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डायनामिक भी है, मतलब ये जो ओवरऑल किस तरह ये मोशन करता है, पिक्चर किस तरह एनिमेट करता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ इसकी एनिमेशन से, मेरे पास अभी नेट का थोड़ा इशू आ रहा है, यही वाली, तो आप इसको डाउनलोड करके इसमें फिर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एनिमेशन वाली फीचर बहुत ही अच्छी है, जो कि दूसरे ऐप्स में भी अच्छी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर्स इसको मैं 10 में से नंबर देना चाहूँगा, 8 नंबर, ठीक है। इसके अलावा आप इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी ब्राइटनेस आप हाई या कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंट्रास्ट जो है इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह कर लेता हूँ। इसके बाद सेचुरेशन है, शार्पन, ये बहुत अच्छा फीचर है, इसमें आप जो आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला देख लें, इसमें आपकी जो जो इमेज क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसके हाइलाइट्स हैं और बाकी चीज़ें, तो आप सारी चीज़ें, विनिटी है जो इसकी है वो आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये 100% अभी हो गई है, लेकिन अभी मैंने ये जो इमेज है थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, इसकी जो स्क्रीन पे फिट किया है, तो इसलिए विनिटेज इसकी अभी सही नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्केल, आप इसको स्केल भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह मैनुअली आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते तो आप स्क्रीन पर दोनों फिंगर्स रख के इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मैनुअली अभी इसको किया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, इस वीडियो को, तो ये वाला ऑप्शन जो रखा है यहाँ पे, इसको आप रिप्लेस करके इस वीडियो को दूसरी वीडियो से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मास्क अगर आप इस पे लगाने तो आप इसकी सिर्फ एक हिस्सा आप इसको दिखा सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो आप इसको यहाँ पे इस तरह शो करना चाहते हैं। अगर आप इस मास्क को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इस तरह करके इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तो बस तकरीबन सेम ही है, इसमें एज सच कोई चीज़ इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको दिया है 3rd नंबर पर, ठीक है, जो वीटा है। बैकग्राउंड्स पे आप चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसका बैकग्राउंड, इस पे आप इमेज भी लगा सकते हैं, इसके अलावा कलर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ दो ऐप्स जो है, पहले वाला जो मैंने 4th नंबर पे रखा है, इसके अलावा जो वीटा है, इन दोनों में थोड़ी सी
कम्प्लेक्सिटी नहीं है, मतलब ये सिंपल सिंपल ऐप्स हैं जो आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन के यूज़ कर सकते हैं, टिकटॉक के लिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह सब के लिए, ठीक है। सेकेंड नंबर पे मैंने रखा है काइन मास्टर। काइन मास्टर एक बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, जिस तरह पीसी में आपका होता है एडोब प्रीमियर प्रो, उसके इक्विवेलेंट आपके मोबाइल फ़ोन में होता है काइन मास्टर। लेकिन मेजॉरिटी इसमें फ़र्क ये होता है कि जैसे ही आप वीडियो एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो उसमें काइन मास्टर का वाटर मार्क आ जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मसला है। इसके लिए कुछ अरेंजमेंट हो सकती है लेकिन वो लीगल नहीं है। अगर आप इसके लिए पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट करके आप इसकी जो प्रो वर्जन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ अहम अहम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले अगर आपने न्यू वीडियो बनानी है तो आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने फिर एस्पेक्ट रेशो चूज़ करनी है। आपने यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है तो फर्स्ट वाला, ठीक है। आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक स्टोरी के लिए बनानी है तो जो ये वाला है, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पोस्ट पे आपने 1:1 रखनी होती है सिंपल मोबाइल की वीडियो के लिए यही, और इसके अलावा इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए ये चीज़, और आम जो फिल्म या मूवी के लिए जो रेशो इस्तेमाल होती है वो लास्ट वाली होती है, ठीक है। तो इसको आपने फिर, इसमें कुछ एडवांस ऑप्शंस भी हैं, यानी आपको कुछ चीज़ें इसमें उन्होंने अलर्ट दी होती हैं कि आपने खुद मैन्युअली इसको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई क्लिप ऐड करना चाहते हैं और वो इस एस्पेक्ट पे पूरा नहीं उतर रहा, मतलब आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं और वीडियो आपने पोर्ट्रेट पे बनाई है, तो फिर वो उसमें फिट नहीं हो सकती। तो इस ऑप्शन को स्टार्ट से ही करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए कि वो पहले से ही स्क्रीन पे फिट आ जाए, तो आप यहाँ से इसकी जो ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, तो फिल पे क्लिक करके आपकी जितने भी वहाँ पे क्लिप होगी वो स्क्रीन के साथ फिट हो जाएगी, फिल हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ऑटो में तो फिर आप खुद ही सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस तरह करना होता है, ठीक है। अच्छा, फ़ोटो ड्यूरेशन, अगर आपने कोई मुख्तलिफ फ़ोटोज़ को एक साथ करके कंबाइन करके एक वीडियो बनानी होती है तो आपने इसको ड्यूरेशन यहाँ से करनी है, 4.5 सेकंड्स है, मतलब 4.5 सेकंड्स के लिए एक जो फ़ोटो है वो स्क्रीन पे आ जाती है, ठीक है। तो आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, ठीक है, मगर अगर एक अगर दो पिक्चर्स आपने एक साथ लगाई होती हैं और एक पिक्चर दूसरे पिक्चर में कन्वर्ट हो रही होती है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। तो मेनली उन्होंने यहाँ पे 1.5 लिखा है, 1.5 सेकंड पे आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा अभी आप फॉर एग्जांपल में हम कर रहे हैं यूट्यूब वीडियो, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके क्रिएट का बटन दबा देंगे, ठीक है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ से कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट की हैं, अभी मैं 2-3 वीडियोस को यहाँ से फिर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 2 वीडियोस मैंने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। अच्छा, इन 2 वीडियोस के को अब मैंने क्या करना है, इनकी एडिटिंग करनी है। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं काइन मास्टर का जो लोगो है, ये बिल्कुल आपके एक्सपोर्ट करने के बाद वैसा ही आएगा। एक बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ है, बहुत ही नॉन प्रोफेशनल चीज़ है जिसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपने इस तरह करना होता है कि इसकी जो आम फीचर है वो आपने देखनी है, ठीक है। वैसे तो ये काइन मास्टर की बहुत ज़्यादा फीचर है, जैसे जैसे आप काइन मास्टर को यूज़ करेंगे आप इसमें प्रो हो जाएंगे, आपको एडिटिंग का अच्छा खासा तजुर्बा हो जाएगा। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको आज बतानी है कि काइन मास्टर की क्या लिमिटेशंस है और उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें यह कर सकते हैं कि आपने जो चूज़ किया है, जो रेशो चूज़ किया है, इसको आप बड़ा कर सकते हैं। तो नीचे आप आ जाएंगे, पैन एंड जूम पर क्लिक कर लेंगे और इसको इस तरह करके स्क्रीन के साथ फिट कर लेंगे, ठीक है। इसका अच्छा फ़ायदा है कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको पहले वाला जो है स्टार्ट पोजीशन, इसको इस तरह कर लें और एंड पोजीशन पे आप इसको इस तरह छोड़ दें, तो फिर होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी तो ये क्या होगी, ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको ओवरऑल ऐसा ही रखना है तो आपने पेन एंड जूम पे क्लिक करके जो एंड पोर्शन है उसी पे भी इसी को क्लिक करना है और इस तरह आपने इसको बड़ा कर लेना है और जो इज़ इक्वल टू जो साइन है इस पर आप क्लिक करके इस तरह करेंगे तो फिर आपकी जो ये वीडियो है वो इस तरह सेम ही रहेगी, सारा पिक्चर इसका सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका जो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त फीचर है वो है इसमें कुछ जो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर को ब्राइटनेस आप इस कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अलावा कंट्रास्ट इसका अच्छा कर सकते हैं, सेचुरेशन आप इसको कर सकते हैं, मतलब वीडियो को आप अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाइब्रेंस है, आप
इसको भी अल्टर कर सकते हैं। टेम्परेचर जो है आप इसको इस तरह इसकी जो टेम्परेचर है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हाइलाइट्स जो है इसकी मतलब जो डार्क स्पेसेस हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। शेडोज़ हैं, ग्रेन और ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुख्तलिफ वीडियोस आपने एक साथ एडिट की हैं, ठीक है, तो आप उन सब में एक तरह की जो इफ़ेक्ट्स हैं वो लाने के लिए अप्लाई टू ऑल का क्लिक कर लें, तो जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी इमेजेस हैं, सब पे यही चीज़ अप्लाई हो जाएगी जो अभी आपने एडजस्टमेंट कर ली है, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन पे क्लिक कर लें। अभी दोबारा हम आ जाते हैं इस पर। इसमें फिर आप फिर ये कर सकते हैं कि मिक्सर जो है मतलब इसमें आपकी जो वॉइस है उसको तेज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपकी वॉइस इसमें बिल्कुल फुल वॉइस पे साथ आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो वॉल्यूम है, मतलब दो वीडियोस आपने कंबाइन की है, दो एक वीडियो इसके ऊपर लेयर है तो उसकी आवाज़ पर क्या होगी, अगर एक वीडियो में आवाज़ थोड़ी सी ऊंची हो जाती है तो दूसरी वीडियो में आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाती है, तो एक इसकी बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप पिच को कम या ज़्यादा करना चाहेंगे, ठीक है, मतलब एक वॉइस है, एक बंदे का वॉइस है वो थोड़ा सा बारीक है तो आप उसको थोड़ा सा भारी कर सकते हैं इसको इस साइड पे लाके, ठीक है। ये कुछ अहम चीज़ें हैं जो मैंने इसमें शेयर की हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो इसमें फ़िल्टर्स हैं, इसकी बहुत अच्छी अच्छी फ़िल्टर्स हैं, ठीक है। ये सब फ़िल्टर्स पहले अप्लाई नहीं होती थी लेकिन अभी जो कैन मास्टर है उन्होंने इसको खुला छोड़ दिया है। पहले इस पर जो कैन मास्टर की तरफ से प्रो वर्जन था उसमें आपको पेमेंट करनी होती थी लेकिन अभी उन्होंने ये खोल दिया है जितने भी फ़िल्टर्स हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़िल्टर उन्होंने यहाँ पे छोड़े हैं, ठीक है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा जी, ये मुख्तलिफ फ़िल्टर्स हैं, ठीक है, तो आप इन सब को यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ एडिटिंग में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम इसकी दूसरी जो फ़ीचर्स हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। इनमें विनिटेज भी है, आप इसको इस तरह मतलब साइड्स पे ब्लैक सा चीज़ आ जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम एनवेलप इसकी बहुत ही अच्छी है, आप अगर इसको आवाज़ को ज़्यादा करना चाहेंगे एक सेगमेंट में कोई आप इस पर लेयर ऐड कर लें और पीछे से जो ओरिजिनल वीडियो है उसकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो और आप ऐसा करना चाहते हैं कि उसकी और थोड़ी सी कम हो जाए तो आप इस पर यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएँ, ठीक है, उसके बाद आप इस तरह आ जाएँ, नीचे जो आपको वॉइस नज़र आ रही है ये बिल्कुल आपको आपकी डिज़ायर के मुताबिक वॉइस देखिए कि कहाँ पे आपने आवाज़ कम करनी है, कहाँ पे आपने आवाज़ ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो इसका बहुत ही अच्छा फीचर है। दूसरी जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी एप्लीकेशन हैं उनमें इस तरह की एप्लीकेशन मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उसकी जो दूसरी है इक्विलाइज़र है, अगर आप अपने वॉइस को ऐसा करना चाहते हैं कि एम रेडियो है, इसमें मुख्तलिफ सी जो वॉइस कंडीशन है, ठीक है, आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो अभी इसकी नई एप्लीकेशन आई है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इसमें से आप क्या कर रहे हैं, इसमें से आप जो अकॉर्डिंग आपकी जो रेजोल्यूशन है, आपकी जो वीडियो की रेजोल्यूशन है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। आप 720 पिक्सल में चूज़ करना चाहते हैं या आप SD में या आप इस तरह, ठीक है। तो इसमें एक लिमिटेशन ये है कि अगर आपने एक जो दूसरा एप्लीकेशन में बाद में डिस्कस करूँगा उसमें आप 4K तक भी एडिटिंग कर सकते हैं रेजोल्यूशन की, ठीक है। फ्रेम रेट भी आप हाइयर चूज़ कर सकते हैं, तो इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है कि ये 720 तक फ़िलहाल कर सकती है मेरे फ़ोन में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने इसको अगर चूज़ कर लिया तो ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे किस चीज़ की तरफ, आप आ जाएंगे रोटेशन या मिररिंग की तरफ। आप इसको मिरर भी कर सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं और रोटेशन वगैरह भी आप इन क्लिप्स की कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फ़िलहाल इसको नहीं करना। इसके बाद आप इसमें से कुछ अहम चीज़ें हैं वो ट्रिम भी कर सकते हैं वीडियोज़ को बीच बीच में, ठीक है, स्प्लिट कर लें, ठीक है, ये वीडियो अभी जरा में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह। तो ये एप्लीकेशन आपको तकरीबन सब में मिल जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा है इसमें अभी आ जाते हैं जो इसकी सबसे अच्छी फीचर्स हैं वो लेयर्स हैं, ठीक है। लेयर्स में आप इस तरह कर सकते हैं कि इसमें पिक्चर्स आप एज अ लेयर ऐड कर सकते हैं या वीडियो आप एज अ लेयर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आ जाता हूँ, मैंने जो अभी पिक्चर रिसेंटली ली है मैं इसको एज अ लेयर ऐड करना चाहता हूँ, तो ये जो पिक्चर मैंने अभी ली है तो मैंने इसको एज अ लेयर इस पर पेस्ट कर दिया ऊपर, ठीक है, जो नीचे जो आपको नज़र आ रही है लेयर ये वाली, तो ये लेयर आप मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, मैं इसको आगे भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो एज अ लेयर मैंने इस पर ये इमेज पुट की है। इसके अलावा आप इसके ऊपर दूसरी वीडियोस हैं उसका लेयर भी आप इस पर ऊपर चढ़ा सकते हैं, ठीक है, और उसमें फिर एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो एक इसकी बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। इसके अलावा आप इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल
मैंने इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा है फूड, ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अच्छा, अब इसकी जो राइटिंग है ना, इसके फॉन्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं कैन मास्टर में, ठीक है। कैन मास्टर जो आपको फॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये सब कैन मास्टर के फॉन्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एप्लीकेशन, मैंने ये फूड यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो ये इसकी फॉन्ट्स हैं, बहुत अच्छी प्यारी प्यारी फॉन्ट्स इसकी कैन मास्टर में है। लेकिन इससे अच्छी फॉन्ट जो दूसरी वाली एप्लीकेशन है उसमें आप उसमें आपको मिल जाएंगी, जो मैं इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है इसकी जो फॉन्ट्स में आप फिर इसका शेडो भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका आप शेडो भी कर सकते हैं और शेडो में फिर आप इसकी स्प्रेड वगैरह को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी होगी फॉन्ट्स की। इसके अलावा आप इसको ग्लो भी कर सकते हैं, आपकी जो राइटिंग है उसको आप रोशन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इसकी जो ग्लो वाली ऑप्शन है, ये कैन मास्टर की अभी यानी उन्होंने इम्प्रूव की है, जो कि बहुत ही अच्छी है। पहले वाली जो ओल्ड वर्जन थी उनमें जो ग्लो वाली ऑप्शन थी वो ज़्यादातर कमज़ोरी होती थी, मतलब इस तरह लग रहा था कि ये जैसे आउटलाइन होती है उस तरह ही नज़र आती थी, लेकिन अभी उन्होंने काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट लाई है। आउटलाइन वाला जो पोर्शन है उसको भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस जो फॉन्ट से उसको आप आउटलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें बैकग्राउंड भी कर ला सकते हैं, जो आपका ये वाला है, ठीक है, तो इसमें आप भी बैकग्राउंड ऑप्शन भी होगा। इसका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी बड़ा है, नॉन प्रोफेशनल लग रहा है, तो इसको आप चूज़ ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आ जाते हैं टेक्स्ट ऑप्शंस हैं, आपने जो दो लाइंस के दरमियान, अगर आपने एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान स्पेस लाना है तो आपने ये वाला ऑप्शन आगे करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने वर्ड्स के दरमियान, कैरेक्टर के दरमियान स्पेस लाना है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, तो इस तरह आपके वर्ड्स के बीच में ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। अंडरलाइन के लिए आपने ये वाला यूज़ करना है, ठीक है, और इसके अलावा जो सब चीज़ें हैं ये आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉन्ट्स इसके काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू जो पहले दो मैंने बताए थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो आप फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर किया है तो ये अभी इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं बीच बीच में। तो ये तो होगी इसकी फॉन्ट्स। अभी आ जाते हैं एक और चीज़ की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें राइटिंग है, ठीक है। जो राइटिंग वाला ऑप्शन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कम्प्लेक्स काम आप कैन मास्टर में कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको बेसिक समझनी है, तो ये बेसिक चीज़ें आप यहाँ पर समझ लें। लेकिन जो ये जो राइटिंग वाला ऑप्शन है ना, जितना बेकार लगता है उतना ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है जो हैंड राइटिंग वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा स्टिकर्स हैं, ये जो इसके स्टिकर्स हैं वो ज़्यादातर नॉन प्रोफेशनल है, ठीक है, छोटे छोटे स्टिकर्स हैं, इसकी मज़ा नहीं करता, इसको आप अवॉइड ही कर लें, ठीक है। इस स्टिकर इसकी जो कैन मास्टर असिस्ट स्टोर है उससे आपको मिल सकती है, लेकिन आप बाद में फिर उसको डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कैन मास्टर असिस्ट स्टोर आपको नज़र आ रहे हैं इसमें आप अच्छे अच्छे से स्टिकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे, फिलहाल तो उन्होंने जो ऑलरेडी प्री इफेक्ट लिया है तो इसको आप कर सकते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा है ब्लर सा, ठीक है, तो ये जो ब्लर आपको नज़र आ रहा है ये इसका इफेक्ट है, लेकिन इसको फिर आप चेंज भी कर सकते हैं, इसकी जो ओपेसिटी है, ब्लर स्ट्रेंथ है, उसको आप चेंज इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा फीचर है, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं काफ़ी मज़े वाली इफेक्ट्स में होती है कैन मास्टर में, ठीक है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि इसके लिए अच्छी अच्छी एप्लीकेशन आपने, अच्छी अच्छी इफेक्ट्स आपने डाउनलोड करनी होगी कैन मास्टर असिस्ट स्टोर से, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ इसमें है, आप इसमें लेयर्स में एज वीडियो भी इसको आप ऐड कर सकते हैं बीच बीच में, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें वीडियो एडिट की है, वीडियो मैंने पेस्ट की है एज अ लेयर, ठीक है, तभी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, तभी वीडियो स्टार्ट होने वाली है, इसके ऊपर जो लेयर है वो मैंने पेस्ट कर दिया है एज अ लेयर, ठीक है। तो ये भी आपको ये वीडियो इस तरह से नज़र आ जाएगी। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए अच्छी है जो रिएक्शन वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है, रिएक्शन वीडियोस के लिए बहुत ही अच्छी है ये कैन मास्टर एप्लीकेशन। लेकिन इसकी अगेन मैं रिपीट कर लेता हूं, जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके ऊपर जो कैन मास्टर का लोगो है वो आ जाता है, जिसके लिए आपको आपकी वीडियोस पर नॉन प्रोफेशनल लगती है। और अगर आप इसको पेड वर्जन में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने फिर पेमेंट करनी होती है, ताकि आपको प्रो जो वर्जन है वो आपको कैन मास्टर का मिल सके। जो फर्स्ट नंबर पे एप्लीकेशन मैंने सेलेक्ट की है वो है कैपकट। कैपकट एक बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, मैं खुद भी इसे यूज़ करता हूँ, आप भी इसे यूज़ करें। कैपकट में कुछ अहम जो चीज़ें हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, बाकी तकरीबन सब एप्लीकेशन सेम ही होती हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ये वीडियो मैंने अभी स्टार्ट की है, किस चीज़ में, ये अभी पोर्ट्रेट में है। इसमें थोड़ी सी ड्रॉबैक ये होती है कि आपने फर्स्ट जो वीडियो या कोई पिक्चर आपने
सेलेक्ट किया हो तो बाकी तमाम जो एस्पेक्ट है वो भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो आपने अगर डिज़ायर ये करना है कि आपने यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है, तो आपने कोई ऐसी वीडियो ढूंढनी होती है जो आपको यूट्यूब के लिए पहले से इसका जो रेशो है वो बराबर हो। ठीक है, अब ये पोर्ट्रेट में है, मतलब ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह के लिए है, तो ये सारी जितनी बाकी वीडियोस आएंगी वो इसी तरह सेम ही एस्पेक्ट में होंगी। तो इसके लिए फिर आप ये करेंगे कि इसको आपने थोड़ा सा इनलार्ज करना है ताकि ये आपकी स्क्रीन के साथ फिट आ जाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला फिर ये होता है कि आपके जो कुछ अहम क्लिप्स हैं वीडियो के वो कट जाते हैं। ठीक है, तो आपने अगर डिज़ायर वीडियो बनानी होती है तो उसके लिए आपने पहले सोचना होता है कि आपने कौन सी क्लिप ऐड करनी होगी। ठीक है, अच्छा इसकी एप्लीकेशन की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो एडिट एप्लीकेशन है, ठीक है, एडिट पे आपने क्लिक किया, स्पीड आप इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर आप इसमें देख सकते हैं। ज़्यादातर ये जो टिकटॉकर्स हैं वो इसी को यूज़ करते हैं। एक होता है स्पीड, ठीक है, आप जनरली इसको हाई या कम कर सकते हैं। एक होता है कर्व, तो इसका कर्व जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब एज एक्शन जो वीडियो होती है या स्लो मोशन वीडियो होती है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस सामने आ जाएगी। ठीक है, एडिटिंग में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी जो एडिटिंग एबिलिटीज़ हैं बहुत ही अच्छी हैं अगर हम कर्व में इसको ले लें। ठीक है, तो ये कर्व जो है इसकी बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जो दूसरे एप्लीकेशन में मेरे ख्याल में नहीं है। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी आप तेज़ या कम कर सकते हैं जो बहुत ही ट्रेमेंडसली इसको ज़्यादा कर लेता है एज़ कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशन। जितनी भी दूसरे एप्लीकेशन है वो वॉइस को इतना ज़्यादा तेज़ नहीं करता जितना ये कैप कट कर सकता है। ठीक है, एनिमेशन जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी एनिमेशन हैं। इसके एनिमेशंस जो है ना, इसके एनिमेशंस के बेस पे ही मैं इसको तमाम जितने भी एप्लीकेशन हैं उनके ऊपर इसको रखता हूँ, नंबर फर्स्ट पे रखता हूँ। ठीक है, अभी इसके जो एनिमेशन है वो आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली एप्लीकेशन, ये वाली, हाँ जी ये वाली आप देख सकते हैं खुद। इसके अलावा जो दूसरी ये वाली आप देख लें, इसके अलावा ये वाली बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी जो एनिमेशंस है वो आप देख सकते हैं, इन और आउट ट्रांजिशन में भी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम इसमें देख सकते हैं जो इसके ओवरले हैं, ओवरले में इसमें बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जो मैं अभी आपको समझा देता हूं। इसमें होता यह है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक लेयर इसके ऊपर चढ़ा दी है और अभी मैंने इसकी बैकग्राउंड रिमूव करनी है, तो इसमें जो बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन है ना बहुत ही परफेक्टली इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर लेता है बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने इसको खुद टेस्ट किया है, इसको क्रोमा की इसको इसके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड खुद ब खुद ही सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और आपको जो ओरिजिनल ऑप्शन है वो आपको सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जी आप इसको देख सकते हैं खुद ही इसमें आगे पर आ जाएगा बैकग्राउंड जो रिमूवर का ऑप्शन है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप इसमें क्रोमा की भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वीडियो इसमें इम्पोर्ट की है, अब मैंने इस वीडियो को क्या करना है, इसको अभी मैंने क्रोमा की के जरिए इसके बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो क्रोमा की भी इसमें ऑलरेडी मौजूद है, क्रोमा की में आप इसमें कलर पिक ऑप्शन क्लिक करेंगे, उसके बाद इंटेंसिटी पे आ जाएंगे तो इसकी सारी जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन जो है वो इसमें मौजूद है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन इसमें मौजूद है कि इसमें जो क्रोमा की है उसकी जो इंटेंसिटी बहुत ही अच्छी होती है, अच्छी तरीके से ये चीज़ों को कट कर लेता है, बैकग्राउंड को रिमूव कर लेता है। ठीक है, इस तरह बैकग्राउंड रिमूवर इसका अच्छा है। और इसका एक ज़बरदस्त फीचर जो है वो मैंने अभी आपको बताना है, वो कौन सा वाला है, मैं अभी इसके ऊपर एक लेयर ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर किया ये वाला ऐड, ठीक है, बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप अपने फेस को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं, तो इसमें ब्राइट का ऑप्शन है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि आपका फेस बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं इसका नोज़ जो है वो भी स्लिम हो जाती है, इसके अलावा बिग आईज़ हैं, आईज़ भी आपकी बड़ी हो सकती है। तो इसका बिल्कुल यूनिक फीचर है जो दूसरे एप्लीकेशंस में नहीं है, ये बिल्कुल जो कैप कट है उसके लिए बिल्कुल यूनिक है। ठीक है, जितने भी दूसरे एप्लीकेशन हैं उनमें ये चीज़ मौजूद नहीं है। अच्छा, इसके अलावा फ़ॉन्ट्स की अगर बात करें, हम टेक्स्ट की बात करें, तो इसके जो टेक्स्ट है ना वो बहुत ही बेहतरीन होता है। जितने भी एप्लीकेशन मैंने मोबाइल एप्लीकेशन देखी है उनमें सबसे बेहतरीन फ़ॉन्ट्स जो हैं वो कैप कट के हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेता हूँ फूड, ठीक है, फूड मैंने लिख दिया यहाँ पर। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको मैंने इसके फ़ॉन्ट्स दिखाने, इसके स्टाइल्स दिखाने, आप आ जा रहे हैं स्टाइल्स पर। ठीक है, ये बहुत अच्छी अच्छी फ़ॉन्ट्स आपको इसमें नज़र आ जाएंगे। इसमें आपको ये वाला जो नियॉन इफ़ेक्ट है वो भी नज़र आएगा, इसके अलावा बहुत सारी अच्छी अच्छी इफ़ेक्ट्स आपको इसमें नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आप फ़ॉन्ट्स को, इसके अलावा स्टाइल्स जो हैं
कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फ़ॉन्ट्स इसके जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ॉन्ट्स हैं इसके, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं फ़ॉन्ट्स बहुत ही आला किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं इसमें। तो ये चीज़ें आप कैन मास्टर में ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ ट्रैकिंग है, हाँ जी, एनिमेशन इसकी बहुत ही प्यारी है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने जो यहाँ पर डिस्कस करनी थी वो है स्टाइल। तो स्टाइल का जो ऑप्शन है वो ज़्यादातर पिक्चर्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो पिक्चर में अगर आप कोई एक पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर लें, ठीक है, ये मैंने पिक्चर यहाँ पे ली है, तो अभी आप आ जाएं जो ये स्टाइल का ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक करना है और आपने इसका कमाल देखना है, ठीक है। स्टाइल के ऑप्शन पे आ जाएं, इसमें आपने कोई एक वाला स्टाइल चूज़ कर लेना है। तो अभी आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अभी आप ख़ुद ही नोट कर लेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जी हो गई है स्टाइल। हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, बहुत ही यूनिक फीचर है, जो सिर्फ ही कैपकट में अवेलेबल है। बाकी जितने भी एप्लीकेशन हैं उनमें ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। उम्मीद रखते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपको एडिटिंग में असिस्ट करेंगी। थैंक यू वेरी मच।